हेलो सो व्हाट्स अप गाइस। भाई आज की इस वाली वीडियो में अपने सामने है स्कॉर्पियो क्लासिक। भाई आज की इस वाली वीडियो में जो भी अपडेट है वो बताने वाला हूँ स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक करो, और भाई छोटे भाई का ही चैनल है, सब्सक्राइब करो आप लोग। और अब बात करते हैं अपन गाड़ी के बारे में। तो गाड़ी अभी ये स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल है स्कॉर्पियो S11। और स्कॉर्पियो क्लासिक में अभी दो ही वेरियंट आने वाले हैं, एक आएगा S11 और एक आएगा S3। तो आज की इस वाली वीडियो में अपने पास है S11। तो भाई जो जो अपडेट है ना वो बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहला जो अपडेट है वो उसके इंजन का है। भाई सेकंड जेन महिंद्रा का इंजन है, 55 किलो लाइटर है पहले से, 55 किलो का वजन कम हो गया इसका। और महिंद्रा यूँ क्लेम करती है कि इसका 14% फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो भाई स्कॉर्पियो की फ्यूल एफिशिएंसी और बड़ी और 14% ज़्यादा हो गई है पहले से, ये महिंद्रा का क्लेम है। और गाड़ी अभी देखो साइलेंट हो गई है पहले से, पहले जो इसका गियर वाइब्रेट करता था और इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी, आवाज़ थी। इंजन काफ़ी रिफाइन हो गया पहले से और काफ़ी बेहतर हो गया है। और हाइड्रोलिक स्टार्ट देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक स्टार्ट आ गए हैं आगे। महिंद्रा का जो है कि बोनट खोलते ही इंडिकेटर चलते हैं, वो सब सिस्टम अभी तक मिलते ही है इसमें। भाई हाइड्रोलिक स्टार्ट स्कॉर्पियो N में नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक में, ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी। हालांकि जो एग्जीक्यूटिव है उनका कहना यूँ है कि भाई स्कॉर्पियो N का बोनट थोड़ा हैवी है, उसकी वजह से हाइड्रोलिक स्टार्ट उसमें डाल नहीं पाए। अब बात करते हैं इसके लुक की। सबसे पहले अपन चलते हैं हेडलैम्प पे। तो भाई हेडलैम्प पे ये देख सकते हो ऊपर वाली DRL है, वो तो अभी तक आ ही रही है। और जो सेटअप है वो हेलोजन सेटअप है, कॉर्नरिंग लैम्प भी आया है इसमें। अब चलते हैं भाई नीचे की तरफ। ये नई DRL ऐड हुई है इसमें। फॉग लैंप है, जो पुराना शेप आता था वो वापस रिटेन कर दिया है। और इसकी ग्रिल चेंज हो गई है, ग्रिल नहीं कर दी है महिंद्रा ने। और अब बात करें अपन इसकी ग्रिल की, तो ग्रिल में भाई क्रोम फिनिश देख सकते हो, महिंद्रा का नया ट्विन पिक वाला लोगो आ चुका है इस पर। और अब बात करते हैं इसकी, अब नीचे चलते थोड़ा नीचे, आप देख सकते हैं स्किड प्लेट है और इसमें भी थोड़े बदलाव किए गए हैं, ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़े बदलाव है। भाई ये हो गई आगे की बातचीत। अब चलते हैं अपन इसके साइड में। साइड में जो सबसे मेजर चेंज है वो इसके अलॉय व्हील्स का, जो अलॉय व्हील्स इन्होंने डायमंड कट के दिए हैं, जो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं पहले से, तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। पहले जो सिल्वर वाले आते थे वो मतलब लुक वाइज भी इतने अच्छे नहीं थे। और मेरे को पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगे, मेरे को लगता था महिंद्रा को ये पहले ही कर देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रोफाइल की। 235/65R17 का इसका प्रोफाइल है और भाई लुक वाइज तो किलर है। अब चलते हैं अपन इसके साइड फेंडर की। साइड फेंडर पे ही कर दिया इंडिकेटर, वो सारे मॉडल में यही है। और यहाँ से हटा के साइड पे कर दिया है, जो कि कॉस्ट काफ़ी इफेक्टिवनेस करता है, कॉस्ट इफेक्ट करता है गाड़ी की। और डोर हैंडल भी बॉडी कलर में ही है, टॉप मॉडल है, ये सब तो कॉमन बातें हैं। साइड में जो भाई एम्बोसिंग है वो भी चेंज कर दी है, पहले जो स्कॉर्पियो लिखाता था उसको भी थोड़ा, उसका भी डिज़ाइन माइनर ट्विक कर दिया है। अब नीचे जो है इसका फुट रेस्ट है, और भाई ये मैंडेटरी है, गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो उसके हिसाब से ये ज़रूरी भी है। और भाई ये अच्छी बात है कि प्लास्टिक में दिया है, फुल मेटल में देता तो रस्टिंग का काफ़ी इशू हो जाता, जैसे अभी बारिश में ही खड़ी गाड़ी तो रस्टिंग का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता इसकी वजह से। तो ये अच्छा करा इन्होंने कि भाई प्लास्टिक में ही दिया है, भाई इतना तो भले ये ऑफ रोडिंग जाए कुछ भी जाए और प्लास्टिक का है तो अच्छा है। अब चलते हैं भाई इसकी रूफ रेल की तरफ। भाई रूफ रेल भी इसका अलग ही भोकाल है, मतलब रूफ रेल ना हो तो भाई गाड़ी सोचो आप कैसी लगेगी। अब आ जाते भाई अपन इसके रियर पे बात करें तो भाई इसका जो टेल लैंप है वो वापस लंबा कर दिया है, जो पहले आता था, पहले जो महिंद्रा में था मतलब फर्स्ट जो स्कॉर्पियो आई थी उसमें जो टेल लैंप था वो रिटर्न कर दिया। और भाई गाड़ी मतलब कैमरा में भले आपको थोड़ी ऐसी लग रही होगी अजीब सी, बाकी आप रियल में चेक करेंगे तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये लुक इन्हेंस कर रहा है, ख़राब नहीं कर रहा है, लुक इन्हेंस कर रहा है। अब नीचे आ जाते तो भाई ये हेलोजन में है, पूरा हेलोजन में है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट। भाई महिंद्रा का सिर्फ मेन प्रोजेक्शन यही है कि कॉस्ट कम करना है गाड़ी की, तो हालांकि 3 लाख कम भी की है। नया लोगो आ गया है पीछे, वो कैमरा नहीं दिया गया है, और स्कॉर्पियो क्लासिक लिखा हुआ है, S11 वेरिएंट है ये, माइक्रो हाइब्रिड इसमें आता ही है, और वाइपर डिफोकर वगैरह ये सब तो इसमें सिस्टम मिलता ही है। अब चलते हैं भाई इसके अंदर की तरफ। इंटीरियर में जाने से पहले भाई आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी की। तो भाई की वही टिपिकल है महिंद्रा वाली, नया लोगो इसमें आ चुका है वैसे भी, और वही टिपिकल है जो महिंद्रा में आती रहती है। और बात करें अब इसके फंक्शंस की, तो भाई लॉक अनलॉक और तीसरा जो आप बटन है वो दबाओगे तो गाड़ी का हॉर्न बजने लगेगा और गाड़ी इंडिकेट करेगी कि भाई आ जाओ मैं इस साइड हूँ। अतः भाई अब चलते हैं डायरेक्ट अपन इसके इंटीरियर पे। इंटीरियर में जो अपन ड्राइवर साइड के डोर पैनल को देखते हैं तो भाई सबसे ऊपर है ग्लोसी फिनिश दे रखी है, और ये है सब विंडो कंट्रोल, विंडो लॉक करने का। ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन है, और ये पियानो फिनिश है,
तो अपन अब चलते हैं इसके डोर हैंडल। डोर हैंडल भाई जो कॉमन आते हैं पहले से मैट फिनिश में वो आ ही रहे हैं। ये आ रहा है इसका स्पीकर, और ये सिर्फ मैगजीन होल्ड करने के काम आता है भाई, बोतल वगैरह होल्ड नहीं कर पाएगा ये। अब बात करते हैं अब इसके मेन जो अट्रैक्शन है इसका इंटीरियर, जहाँ बैठ के गाड़ी चलाएंगे। तो भाई सबसे पहले जो है सीट जो है मैनुअल है। मैनुअल होने का भाई सिंपल सा रीज़न कॉस्ट। अब बात करते हैं अपन इसके कंट्रोल्स की। फ्यूल कैप ओपन करने का है, डिफोगर है, लाइट का एडजस्टमेंट है और मिरर एडजस्टमेंट, ये तीन चार कंट्रोल इसमें दे रखे हैं। ये ऊपर आ गया अपना एसी वेंट का कंट्रोल, ये अपना एसी वेंट। अब भाई ये चलते हैं अपन इसके की स्लॉट में। की स्लॉट में है जो भाई वो मैनुअल लगती है वही की है, और लॉक वगैरह ये सब ऑप्शन इसमें है। सेंटर लॉकिंग आती है भाई टॉप मॉडल, ऑब्वियस सी बात है। और अब ये आ जाता है अपना लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। ट्विन पिक का नया लोगो आ गया है इसके साथ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई ये जो पहले सिल्वर यू था अब वो ग्लोसी हो गया है। अब ये फ़ोन उठाने काटने का बटन, वॉल्यूम अप डाउन, और इधर है अपने क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स बाकी सब। और अब चलते हैं अपन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो भाई लेफ्ट साइड में अपन को आरपीएम मीटर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर, सेंटर में जो छोटी डिस्प्ले है जो गियर इंडिकेट करता है, और फ्यूल वगैरह और कूलेंट टेम्परेचर दिखाता है। ऊपर जो है आप देख सकते हैं इसका एड ब्लू का जो है वो इसको ऊपर है गाड़ी के। और ये इसका जो है ट्रिप रीसेट वगैरह ये सब कंट्रोल इसके नीचे ही दे रखे हैं। अब चलते हैं भाई इसके सेंटर डैशबोर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं भाई ये डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड है। अब जो है ऊपर एसी वेंट है, नीचे आपको मिलेगा थोड़ा डिस्प्ले, नीचे इसका बड़ा डिस्प्ले आ गया है जो कि भाई काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है भाई चलाने जैसा एंड्रॉयड वाला, बाद में भी लोग भाग वही लगाते हैं। अब नीचे चलते हैं भाई इसका है एसी कंट्रोल्स आ गए इधर, सिंगल मतलब अब इसमें डुअल जोन नहीं है भाई, वो सिर्फ स्कॉर्पियो एन में आता है। और ये सब जो है भाई डिजिटल कंट्रोल है, अच्छा भाई नोब वाला नहीं है, बार बार वायर कटने का टेंशन रहता है। इसका हैजार्ड लैंप, और भाई पहले इधर दो बटन और आते थे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प और ऑटोमेटिक वाइपर के। अब बात करते हैं अपन इसके गियर की। गियर नोब पूरा चेंज कर दिया है, और नीचे पूरा वुडन फिनिश दे दिया है और गियर नोब। अब चलते हैं भाई इसके चार्जिंग सॉकेट। तो भाई चार्जिंग सॉकेट पहले आता है, वही है फ़ोन होल्डर है, वुडन फिनिश में आपको बता ही दिया। और अब बताता हूँ भाई आपको इंजन स्टार्ट करके, जो भाई पहले जो वाइब्रेशन आते थे इसका गियर के वो भाई काफ़ी ज़्यादा थे। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका इंजन स्टार्ट करके कि भाई गियर में कितना वाइब्रेशन आता है। तो ये देखो एक मिनट, ये कि भाई गाड़ी चालू हो गई, और वाइब्रेशन देखो आप, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, वो गाड़ी काफ़ी स्मूथ है अभी भी। देखो भाई इंजन चेंज किया है, बड़ी चीज़ है। और इसमें जो महिंद्रा का आता है केबल शिफ्ट टेक्नोलॉजी, वो इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि भाई कंफर्ट होता है। अभी आ गया है नीचे हैंड ब्रेक और बोतल होल्डर, और फ़ोन स्कीड ना उसके लिए नीचे वो भी ग्रिप भी दे रखी है। ये आ गया इसका डे नाइट ORVM, मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। ये इसका सनग्लास होल्डर मैंडेटरी है, अच्छी बात है, ये सनग्लास होल्डर दिया है। ये आ गया इसकी हेलोजन लैम्प, हेलोजन है भाई, LED देनी चाहिए थी। ये आ गया सनसेट भाई, इसमें ग्लास है, अच्छी चीज़ है। ये इसका ग्रैब हैंडल। और अब चलते भाई ड्राइवर साइड की सेट की तरफ। भाई इधर कोई ग्लास वगैरह नहीं है, इधर कोई ग्लास वगैरह दिया भी नहीं है। और अब चलते हैं भाई इसके ग्लोव बॉक्स की तरफ। ग्लोव बॉक्स छोटा ही है, महिंद्रा की आदत है भाई, शुरू से ही जो भी इसकी जो रगेड SUV है उनमें सब में छोटा ही आता है, भले आप किसकी बात कर लो, थार की वगैरह, SRS एयरबैग लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो की पुरानी बैजिंग इसमें आती ही है। अब भाई जो है बातचीत, अब चलते हैं अपन रियर की तरफ। आ चुके हैं रियर गेट पर। तो भाई ये इसका विंडो कंट्रोल, और ये इसका फ़ोन होल्डर तो क्या ही है भाई, इसमें फ़ोन कहाँ से आएगा। और ये इसका बोतल होल्डर। अब भाई ये ग्लोसी फिनिश तो आगे थी वैसे, उस टाइप की है ये, और हैंडल तो वही है। अब ये जो सीट है भाई, इसका सीट का कंफर्ट अच्छा है भाई, हाई सपोर्ट अच्छा है इस सीट का, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये बीच में आर्मरेस्ट। और भाई इसमें इसकी सीट्स में फैब्रिक और लेदर का वर्क है भाई, दोनों मिक्स है। फैब्रिक भी मतलब काफ़ी हाई क्वालिटी का भाई, देखने में भी फील में भी। अब एक बार हो तो महिंद्रा के शोरूम जाना और ये गाड़ी को देखना, काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोन होल्डर है, छोटा सा फ़ोन होल्डर, और रियर पैकेट है, पॉकेट है, रियर पॉकेट है। और ये इसका सेंट्रल आर्म रेस्ट, दोनों तरफ सेम सीट ही है। ये इसका सेंट्रल AC, और ये इसका बोतल होल्डर। ये तो मेरे अंदाज से थोड़ा सीधा होना चाहिए था तो काफ़ी बेहतर रहता, और बोतल रखने के हिसाब से भी, या फिर आप कुछ भी रखो उसके हिसाब से भी। अब बात करते हैं अपन अंदर बैठने की, क्या क्या कम्फर्ट है इसके रियर सीट में। भाई मैं हूँ 5'11" का,
मेरे हिसाब से आगे वाली सीट एडजस्टेड है और पीछे मेरे पास इतना स्पेस है जो कि भाई एडिक्विट है और चलने लायक स्पेस है। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है जैसा कि मैंने आपको बताया। कोई बंदा भाई सेंटर में बैठा है तो भी उसको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, मतलब एडिक्विट है। ज़्यादा ऊँचा हम्प नहीं है, जैसे लग्जरी कार्स में होता है ज़्यादा ही ऊँचा हम्प देते हैं, वैसा कोई ऊँचा हम्प नहीं है। साइड की बात करें तो भाई सीट ठीक ठाक है, कम्फर्टेबल है और हेडरेस्ट जो है सिर्फ दो बंदों के लिए, सेंटर पैसेंजर के पास नहीं है। और लाइट जो है जो भाई आगे वाले और पीछे वाले बंदे शेयर करते हैं। और भाई कुछ इस टाइप का व्यू आपको मिलता है, मतलब थर्ड सेकंड रो से इस टाइप का व्यू आपको मिलता है आगे का कि भाई इस टाइप की गाड़ी पीछे से दिखेगी। और ये आपका सेंट्रल डैशबोर्ड जो कि मतलब प्रीमियम है, पहले से तो प्रीमियम लग रहा है। ये आर्मरेस्ट है जो दोनों सीट में प्रोवाइड करे गए हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब अभी तक पन्नी लगी है, मैं आपको बता नहीं सकता खोल के, बाकी ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब चलते हैं अपन इसके रियर सीट में, लास्ट सीट में। अब बात करते हैं भाई अपने स्कॉर्पियो क्लासिक के बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस को या थर्ड रो को एक ही बात है भाई, दोनों मतलब साइड फेसिंग सीट्स है तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अब बात करते हैं भाई अपन इसके रियर डोर की। रियर डोर में जो आप सबसे ऊपर देखेंगे जो हेलोजन बल्ब है, आप इसको आफ्टर मार्केट चेंज भी करा सकते हो, LED भी करा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसका ग्रैब हैंडल, ये इसका लॉक जो टिपिकल चल ही रहा है और दो स्पीकर दे रखे हैं पीछे। बात करें अपन साइड फेसिंग सीट है इसमें, जो कि मतलब सात जने बैठे हैं तो बूट स्पेस में भी काम आ जाएगी। और लगेज तो मेरे अंदाज से सात जने बैठ के जा रहे हैं तो लगेज मेरे हिसाब से सात जनों का ये लास्ट सीट में हैंडल नहीं हो पाएगा। ये अब मैं आपको खोल के बताता हूँ पूरा एग्जैक्टली क्या हिसाब किताब है इसका। छोटे बच्चों के लिए है, बड़े भी एडल्ट बैठ सकते हैं, बस थोड़ा उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके बारे में भी। लास्ट सीट की बात करें तो भाई लेदर और फैब्रिक का दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें और एडल्ट बैठ सकते हैं। थोड़ी वाइड भी है सीट जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नीचे की बात करें तो इसमें दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बाकी मेरे को लगा कम है, थोड़े बड़ी गाड़ी है उसके हिसाब से थोड़े ज़्यादा देने चाहिए थे महिंद्रा को, पर ठीक है भाई। अब भाई अपन चलते हैं इसके बम्पर पे। बम्पर जो है नॉर्मली रगेट है, मजबूत बम्पर है, कोई बच्चा बैठे, बच्चा चढ़े या एडल्ट चढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उसमें है, मजबूत। और भाई महिंद्रा है, महिंद्रा और टाटा के क्या कहने, मजबूती की तो मिसाल है लोग। तो भाई आज की सारी वीडियो इतने ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो